बच्चों ध्यान देना, आज हम एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिंगल साइडेड एरर्स, राइट ना। और एक बात और, जैसे 19.11 पेज नंबर निकाल लीजिए फटाफट, 19.11 सिंगल साइडेड एरर क्या है, किस तरह की है, इसको थोड़ा सा मैं समराइज करता हूं। जैसे बच्चों ये ट्रायल बैलेंस है, हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, हमने यहां पे कैपिटल का टोटल लिखा, कैपिटल 100 रुपी की थी, फर्नीचर 100 का था, टोटल कितना आ जाता, 100 आ जाता ना। पर कोइंसिडेंटली फर्नीचर गलती से केवल 90 ही लिखा गया, ठीक है, फर्नीचर गलती से 90 ही लिखा गया। तो अब हमें यहां पर सिचुएशन में जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ेगा, बताइए। ये तो आपने पढ़ा था ना, क्या करना पड़ा आपको, आपको यहां एक अकाउंट ओपन करना पड़ा, सस्पेंस अकाउंट, राइट ना। और एक तरह से आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया या नहीं किया, ये बताइए, सस्पेंस अकाउंट आपने क्या किया, डेबिट किया, ठीक। अब जब हमने ये देखा तो हमने क्या सर्च किया, पता लगाया, पता लग गया कि फर्नीचर, देखो एडजस्टमेंट क्या आएगी, क्वेश्चन क्या आ रहा है, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10 रुपए, क्या आया लिखा हुआ, फर्नीचर अंडर वैल्यूड हो गया 10 रुपए से, तो क्या करें, कम लिखा गया, कम लिखा गया, बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। जब सिंगल साइडेड एरर्स होती हैं तो जरूरी नहीं है करेक्ट और रॉन्ग भी सोच पाए, क्योंकि जहां जरूरी नहीं है करेक्ट रॉन्ग वहां नहीं बनाया जाता, ठीक, करेक्ट रॉन्ग जहां नहीं होता वहां नहीं बनाया जाता। तो यहां हमें डायरेक्टली रेक्टिफाइड प्लान करनी पड़ती है, खासतौर से ओवरकास्ट अंडरकास्ट की सिचुएशन में या टोटलिंग एरर्स में। तो यहां हम क्या करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करें इसे, फर्नीचर डेबिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो कम लिखा गया था, तो हम जर्नल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और अब ऑब्वियस ही बात है, जो सस्पेंस हमने डेबिट कर रखा है कितने रुपीज का, वो सस्पेंस अकाउंट रिमूव कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो वो सस्पेंस अकाउंट रिमूव कैसे होगा, पहले डेबिट किया था और आज क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपीज से, 10 रुपी, ठीक। एक तो इस टाइप का चीज समझ में आई, हाँ घबराओ मत, अभी बहुत इजी इजी चीज आएंगे। एक और एक टाइप की एडजस्टमेंट दिखाता हूं, जैसे रुपी 10,000 पेड फॉर सैलरी बट रॉन्गली डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट बाय 9,000। ध्यान से समझना, लग रहा है पता क्या हुआ यहां पर, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड सोचिए, क्या हुआ यहां पर, क्या पे किया था, क्या जर्नल बनाई होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट ना, कितने रुपए, 10,000, ओके। फोकस पूरा बनाए रखना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, वेजेस अकाउंट कह रहा है, उसने क्या ऐसा बोला कि कैश में भी गलत हुआ, पक्का सब लोग एग्री कर रहे हैं, इसने केवल वेजेस के लिए बोला गलत, कैश के लिए कुछ गलत नहीं बोला, मतलब एक्चुअली हुआ क्या, वेजेस अकाउंट तो डेबिट हुआ 9K से, बट
कैश करेक्ट हुआ क्रेडिट कितने से 10 के से, राइट आप इसे जर्नल एंट्री के रूप में ना देख के इसे ऐसे देखें, केवल अकाउंट फॉर्म में देखें कि आपने कितने से कितना अकाउंट डेबिट किया, कितने से कितना अकाउंट क्रेडिट किया, दैट्स इट। ठीक है, तो बताओ जरा वेजेस कितने से करी डेबिट पर कैश कितने से किया क्रेडिट। अब एक बात बताओ, कैश तो सही हुआ है ना, कैश सही हुआ है या नहीं। तो अब हमें इसकी रेक्टिफाइड बनानी है। क्या सिखाया था रेक्टिफाइड में मैंने, डू द करेक्ट, और क्या सिखाया था, रिवर्स ऑफ रॉन्ग, यही सिखाया था ना। तो डू द करेक्ट क्या है सर, सैलरी शुड बी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 10K, राइट, बट वेजेस वॉज रॉन्गली डेबिटेड, इट शुड बी रिवर्स्ड, रिवर्स करो टू वेजेस अकाउंट 9K, कर दिया। नाउ वी हैव अ डिफरेंस इन द जर्नल एंट्री, और डिफरेंस जब भी होगा हम किसे पुकारेंगे, सस्पेंस को पुकारेंगे। तो साहब सस्पेंस कितने रुपए से लिखोगे, टू सस्पेंस अकाउंट, बोलिए 1000 से एंट्री आ गई। तो सस्पेंस कोई हवा नहीं है, भूत नहीं है, बड़ा ही इजी सा एलिमेंट है जिसे हम कहां पर यूज करेंगे एज अ ब्रह्मास्त्र, जब हमारी एंट्री मैचिंग नहीं बैठ रही होगी। पर उसका एक ही ग्राउंड है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में भाग रहे हो। जैसे सस्पेंस का नेचर वहां भी ऐसा ही था ट्रायल बैलेंस में, पता लगा बोले सर मेरा टोटल मैच नहीं हुआ, मैंने मजे मजे में 5000 सस्पेंस लिख दिया, तो गलत हो गया ना, ऐसा नहीं चलता। कंफर्म होना चाहिए कि तेरा क्वेश्चन करेक्ट है, तो कंफर्म होना चाहिए तेरा करेक्ट और रॉन्ग का जो थिंकिंग है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो तेरी रेक्टिफाइड का डिफरेंस क्या होगा, सस्पेंस में ही डील किया जाएगा। हाँ जी ये वन साइडेड का था, और भी बहुत कुछ है अभी मेरे पास, इधर ध्यान दो। 19.11 पे आओ, इस पे बहुत सारा थ्योरी लिख रखा है पर प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। आप वन साइडेड को यदि थ्योरी पढ़ पढ़ के सॉल्व करोगे या समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, बहुत पजल्ड हो जाओगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें और एक नए मोड पे लाता हूँ, ध्यान से समझना। ये फर्स्ट और सेकेंड समझ में आई, अब ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। बच्चों सब्सिडरी बुक्स बनाई थी, बनाई होंगी, हाँ मैं याद दिला दूंगा। परचेज बुक याद है, घबराओ मत, फॉर्मेट फॉर्मेट ऐसी पुरानी बातें नहीं करूंगा, बस सिंपल सी बात करूंगा, ऐसे ऐसे वाली, ये बस। ये बताओ मुझे, यदि मैं जीएसटी भूल जाऊं, जीएसटी अभी किसी काम का नहीं है, जीएसटी बस वहीं पे काम का था जहां जीएसटी था। अभी ये बात बताओ कि परचेज बुक बनाते हैं तो टोटल जब करते हैं तो तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी के चक्कर में यहां वो लिखवाया ही नहीं गया। यदि जीएसटी नहीं होता तो हम हर बुक में उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट या क्रेडिट लिखते। वो कैसे लिखते थे वो मैं सिखाता हूं। परचेज बुक है, इसका जर्नल एंट्री क्या बनाया तुमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बनाया कि नहीं बनाया। तो तुम यहां पर परचेज अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे। मतलब टोटल, यदि टोटल में कुछ गड़बड़ है तो वो केवल किस अकाउंट में गड़बड़ मानी जाएगी, उसका जो रेस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें। क्योंकि अंदर तो कौन से अकाउंट होंगे, अंदर कौन से अकाउंट्स होंगे, क्रेडिटर्स के, उनमें गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, अभी बताऊंगा क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। कई बार ऐसा लग रहा होता है यार ये क्या चल रहा है, ये अब कुछ नया आ गया, नया नहीं आया, पेशेंस रखना, ठीक है ना। तो परचेज बुक का लिंक किससे है, क्रेडिटर से, और किससे है, परचेज अकाउंट से है या नहीं है लिंक, बताओ, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, टोटल यदि किया, माना बच्चों ध्यान से समझना, एक्स वाई जेड तीन क्रेडिटर है, प्लीज ध्यान देना, इधर 400, 300 और 200 और 1000, ठीक है ना। हाँ मैंने टोटल गलत लिखा है, यही तो सिखाना है कि 400, 300, 200 का टोटल कितना बनता है, 900 ना, 900 लिखना चाहिए था पर गलती से 1000 लिखा गया, ठीक। अब ये बताओ, मैं कह रहा हूं कि परचेज बुक, द टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 100, मैं क्या लिख रहा हूं, थर्ड एंट्री, ध्यान से समझिएगा, टोटल ऑफ परचेज डे बुक या परचेज बुक एक ही बात होती है, वॉज ओवरकास्ट
बाय 100 रुपीज, राइट। बच्चों ध्यान देना, ध्यान, बहुत सारे टॉपिक एक साथ, बहुत सारी एंट्री खत्म हो जाएंगी, 8 एंट्री एक साथ, ठीक है। एक बात समझ में आई तो 8 एंट्री समझ में आ जाएंगी। हर क्वेश्चन में गारंटेड एक नंबर इसका है, हर क्वेश्चन में, ठीक। अब एक बात बताओ, परचेज अकाउंट 100 रुपए से क्या हो गया, ओवरकास्ट। परचेज अकाउंट का नेचर क्या है, डेबिट होना या क्रेडिट होना, डेबिट होना ना, दिख रहा है ना। परचेज अकाउंट डेबिट लिखा गया 100 रुपए से ज्यादा, क्या क्रेडिटर भी गलत लिखे गए? नो नो, व्हाई? क्रेडिटर की पोस्टिंग कितने से हुई होगी, पर तुमने परचेज की पोस्टिंग कितने से कर दी, 1000 से ना, जबकि 900 से होनी थी। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं बताएगा 900 से होनी थी, 1000 से कर दी, वो कहेगा ऐसे बोलेगा। तो तुम्हें ये बात समझनी है कि परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है या नहीं होता है? अब जब मैं बता रहा हूं तुम्हें कि परचेज बुक में परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो तुम अपने आप बता दोगे कि सेल्स बुक में, बोलो, सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है? तो बेटा तुमने नेचर से पता लगा लिया ना, रटना मत, समझना था इसे, समझ लिया? जर्नल एंट्री बना लो भाई, वेरी फर्स्ट डे बताया था ना, हर बुक की एक जर्नल होती है, ठीक है। तो यदि कभी भी टोटलिंग एरर बोलेगा, क्या बोलेगा, टोटल के लिए बोलेगा, तो टोटल के लिए केवल किन अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करा जाएगा, इनके रेस्पेक्टिव अकाउंट को। रेस्पेक्टिव मतलब जो नाम है बुक का, बस उस अकाउंट की बात हो रही है, मतलब केवल एक अकाउंट की बात हो रही है, और केवल एक अकाउंट की गलती हुई है, तो वो कौन सी एरर है, वन साइडेड एरर, मतलब सस्पेंस आएगा। वन साइडेड एरर है तो क्या आएगा दूसरा अकाउंट, सस्पेंस, गलती एक जगह हुई, और एक जगह गलती होती है तो भाई कौन आता है, सस्पेंस। गलती एक जगह हुई है, दोनों जगह होती तो सस्पेंस नहीं आता, ठीक, एक जगह हुई है गलती। अब सर कैसे करना है डील वो सिखा दो, चलो ध्यान दो। परचेज बुक ओवरकास्ट हो गया टोटल, तो परचेज अकाउंट ज्यादा से डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे, तो टू परचेज अकाउंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे, थोड़ा हामी भरते रहो, ठीक है। तो बताओ कौन सा अकाउंट अपोजिट हुआ, सस्पेंस अकाउंट अपोजिट हुआ और वो डेबिट हो गया। अभी फोकस बनाए रखना, एकदम समझ में आएगा। दूसरी एंट्री पे, टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 50 रुपीज। थिंक अबाउट इट, सेल्स बुक का रिस्पेक्टिव अकाउंट कौन सा होता है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का नेचर बताओ, डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, ठीक है ना, क्रेडिट होना है। क्रेडिट कम लिखा गया या ज्यादा लिखा गया, क्रेडिट कम लिखा गया तो सही करने के लिए और क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे, तो कितने से क्रेडिट करोगे सेल्स अकाउंट को, 50 से। अब कौन सा अकाउंट ढूंढोगे, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या आ गया, डेबिट आ गया, कितने से, 50 से। वापस से फोकस करना, हाँ फोकस बनाए रख लो, अपने आप समझ में आएगा, ये समझ में आना है कंफर्म। तो एंट्री नंबर 5 लेता हूं, ध्यान देना। परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000 रुपीज। अब बेटा जवाब तुम्हें सोचने आए, फिर देना है। मैं किसके रिटर्न की, किसके रिटर्न बुक की बात कर रहा हूं, परचेज रिटर्न बुक की, परचेज रिटर्न बुक के टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल ऑफ, है ना। तो परचेज रिटर्न बुक के टोटल की बात कर रहा हूं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट की बात कर रहा हूं, केवल एक अकाउंट की बात कर रहा हूं, ये बात तुम्हें मैंने वहां समझा दी। अब बताओ परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, हाँ क्रेडिट होता है ना। यदि मैं किसी क्रेडिट अकाउंट को ज्यादा लिख दूं तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, श्योर। तो डेबिट करना पड़ेगा किस किस अकाउंट से, किस नाम से होगा, परचेज
रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट। अब किसी को यदि डाउट आ रहा है तो बताओ डाउट क्या आया, ठीक है? हाँ, रिवर्स करने से तो हटेगा वो। यदि मैं यहां पर ये एंट्री रिवर्स नहीं करता तो कैसे हटेगा? अब मैं कहूं तेरे से रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना, रिवाइज बना ट्रायल बैलेंस, अब फर्नीचर कितने से लिखेगा? 100 से लिखेगा ना, क्योंकि तूने 10 से बढ़ा दिया उसको। और सस्पेंस लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। कितना लिखेगा? लिखेगा तो 0 लिखेगा। मतलब सस्पेंस को रिमूव करना जरूरी होता है, ठीक है? हाँ भाई, हाँ नहीं वापस नहीं आएगा। और बताओ, वापस नहीं बोलेगा, रिवाइज बनाने को नहीं बोलेगा। क्या डाउट है? क्लियर है? बताओ भाई, किसी को डाउट है? देखो मन में रखोगे तो कोई मतलब नहीं, कोई फायदा भी नहीं है। वैसे भी ये चैप्टर उनको प्रॉब्लम करता है जिनकी जर्नल लेटर पोस्टिंग ये सब में उनको डर लगता है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अभी कोई डाउट नहीं है? रिटर्न बुक वगैरह क्लियर है? हो गया ना? और अभी थोड़ा सा और एंट्री करनी है, पहले लिखोगे फिर करें? चलो फटाफट लिख डालो ये जल्दी। अंडर वैल्यूड, ओके मैंने बोला अंडर वैल्यूड था पर मैंने गलती से अंडर वैल्यू लिख दिया। बच्चों ये अंडर वैल्यूड है, मैंने बोला सही पर मुझे किसी ने नोटिस नहीं करा। अंडर वैल्यूड, ओके। नहीं बात एक नहीं है, बात एक नहीं, बात गलत हो, अनवैल्यूड नहीं होता, कुछ बताया नहीं है। क्या समझ में नहीं आ रहा?
चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इजी लगी तो चलो फिर ठीक है थोड़ा सा। अब आप लोग इधर जरा ध्यान दें, इलस्ट्रेशन नंबर आएंगे हम बच्चों, क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारा काम करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दोगे तो आप समझ लेना। क्या कह रहे बालक? आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज आपको होमवर्क नहीं मिलेगा कुछ। देखो कितनी अच्छी खुशखबरी दी है मैंने आप लोगों को, क्योंकि कल मैं चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा काफी सारे, उसके बाद फिर आज की कसर पूरी कर दूंगा। चलो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 15 करवा रहा हूं। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप सिंगल साइडेड एरर वाले टाइप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इट इज नॉट एवरी टाइम नेसेसरी कि यू आर एबल टू क्रिएट अ करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाइड। मे बी डायरेक्टली समटाइम्स यू नीड टू पास डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री। जैसे ओवरकास्ट अंडरकास्ट है तो आपको डायरेक्टली कौन सी पास करनी पड़ेगी? रेक्टिफाइड करनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में तो अब ऐसे में बच्चा बोलते सर मैं क्या फॉर्मेट कोई बनाऊंगा, तो मैं अभी कहूंगा स्टार्टिंग में जब तक तुम परफेक्ट नहीं हो रहे हो तब तक करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड ही बनाओ, ज्यादा बेटर। तो चलो मैं भी करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड से करता हूँ। करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाइड प्लीज इधर ध्यान दो, बातें नहीं भाई, स्मार्ट बन जाओगे नहीं तो देख लो। एंट्री नंबर 1, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 वॉज पास्ड थ्रू दिस सेल्स डे बुक। फोकस और ध्यान, और जरूरी नहीं है कि हर एंट्री में सस्पेंस हो,
ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। तो ये तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि सस्पेंस है या नहीं है, उसे कैसे समझना है। जैसे यही एंट्री का एग्जांपल लेते हैं, उसने कहा क्रेडिट परचेज ऑफ 2800। परचेज यदि होती है तो क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हो? बट अब एक प्रॉब्लम है कि क्रेडिटर नेम, और मैंने एक और वर्ड यूज करा था पर्सनल, करा था, आई होप आपको याद होगा, नहीं तो आप अपनी कॉपी ऐसे घुमाओगे तो पता लग जाएगा कि डेटर नेम और पर्सनल, क्रेडिटर नेम और पर्सनल सेम मीनिंग है। मतलब जब सेल्स बुक और परचेज बुक के रिलेटेड कोई ऐसी एरर दिख रही होती है, वरुण बाहर जाके बोल कि आवाज नहीं आए, सर ने बोला है, जल्दी थोड़ा इतना इतना स्टाइल फटाफट फटाफट। अरे भाई प्लीज आगे खिसकाओ इसको, बैंच आगे खिसकाओ, तोड़ना नहीं है इसे। जल्दी से आगे इसका बेंच को, हर्षद पूरा आगे हो जा। जल्दी कर ले, परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल, राइट। आपने एंट्री कहां से रिकॉर्ड कर दी? सेल्स डे बुक से। सेल्स डे बुक से एंट्री कैसे गई होगी? पर्सनल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है? 2800, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझना कि रेक्टिफाइड क्या बननी चाहिए। अब आप बताओ, परचेज शुड बी डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट डेबिट ही हुआ, ये लोग कर दिया, पर सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट हुआ है। सही करने के लिए क्या करोगे? सेल्स अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। नाउ पर्सनल अकाउंट होना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो अब क्या करना पड़ेगा? दोनों के टोटल से उसे सही करना पड़ेगा। एक तरह से ये कैसे हुआ? वैसे पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कि सर पर्सनल को 2800 ऊपर जाना था, पर्सनल 2800 नीचे चला गया, ऐसा ही हुआ ना कुछ। तो अब ये वापस ऊपर आएगा तो इसे 5600 ऊपर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? सेम चीज है कि आपको पर्सनल कितने से लिखना पड़ेगा? 5600 से, राइट। इजी, आगे बढ़े, ये ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ, ये आज का कोई टॉपिक नहीं है। सेकेंड पॉइंट, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। एक सेकेंड, सेकेंड, गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। तो मतलब उसने रिटर्न किया, तो एंट्री क्या करेंगे? गुड्स रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। क्या जर्नल बनाते? सेल्स रिटर्न डेबिट टू, क्या नाम है इसका? मिस्टर गुप्ता, ठीक है, फाइन। कितने रुपीज? 2000। अब ये बताओ क्या हुआ? वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, पर ध्यान रखना जब भी रॉन्ग के लिए बोलेगा तो पहले पूरा पढ़ना है क्या कहना चाहता है, क्योंकि जो रॉन्ग है वो पोस्टिंग एरर भी हो सकती है। पोस्टिंग एरर का मतलब केवल एक अकाउंट में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पूरी रॉन्ग एंट्री ही बना पाओ। जितना बोला उतना कर दो, फिर देखेंगे क्या है। तो क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, एंड पोस्टेड सॉरी वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और यही यहीं से शुरुआत हो जाती है कि डिफरेंट तरह की एंट्री आप कैसे आएंगी। मतलब थोड़ा सा अजीब हो गया, कैसे सर सेल्स बुक का मतलब तो सेल्स अकाउंट हुआ ना। बोलिए सर, एग्री कर रहे हो ना, सेल्स बुक का मतलब सेल्स अकाउंट हुआ। यदि ये इसके लास्ट वाली लाइन नहीं बोलता कि पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, तो मैं उठा के मिस्टर गुप्ता को क्या कर देता, डेबिट कर देता। करता ही ना, क्योंकि सर सेल्स बुक का नेचर यही है ना कि नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट अभी इसने आपकी जो थिंकिंग है उसे चेंज कर दिया, कैसे, टू मिस्टर गुप्ता ही गया। टू कैसे गया कि नहीं गया, मतलब मिस्टर गुप्ता क्रेडिट में ही पोस्ट होना था और क्रेडिट में ही हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। ये एक्चुअली क्या है, जर्नल है, जर्नल थोड़ी, एक्चुअल में पोस्टिंग ही तो ऑब्जेक्टिव है हमारा, है या नहीं। क्या जर्नल चैप्टर करके छोड़ दिया था अकाउंट्स, जर्नल के बाद क्या पढ़ा था, लेजर। लेजर से क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं। यदि लेजर सही है, जर्नल सही है, लेजर सही है, तो ही ट्रायल बैलेंस सही होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में होनी थी कि नहीं होनी थी, और उसने बोला या नहीं बोला क्रेडिट में ही किया है, तो मिस्टर गुप्ता सही गया कि नहीं गया पोस्टिंग में। बात आगे बढ़ रही है, जर्नल से हम आगे बढ़ रहे हैं, बातें हमारी बदल रही है, पोस्टिंग, पोस्टिंग सही हुई कि नहीं हुई। नाउ मुद्दे पे आओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट होना था डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, क्रेडिट किसे कर दिया। तो इसे सही करने के लिए क्या करोगे और क्या लिखोगे, टू में टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, ठीक है, लगा ना दिमाग थोड़ा सा। हाँ, इसलिए मैं आज होमवर्क नहीं दूंगा कि एक ही क्वेश्चन में दिमाग लगाओ पहले। थर्ड एंट्री, हाँ एक सेकंड बताओ क्या भाई, नाम तो पर्सनल अकाउंट ही होता है, होता है क्या, क्रेडिट, क्रेडिटर एक नाम ही होगा, डेटर भी एक नाम ही होता है, नाम क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और वैसे भी पर्सनल अकाउंट क्रेडिटर और डेटर्स के पर्सनल अकाउंट ही होते हैं, रियल नॉमिनल पर्सनल, याद आया, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाई थी मैंने अच्छी तरह से, है ना, तो मे बी तूने मिस करा हो, इनकेस बैकअप ले लेना। 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। बोल रहा है कि भाई हमने वो चोरी हुई थी और वो अभी तक सस्पेंस में डेबिट हमने रख रखे, गलत बात है ना, कहां डेबिट होना चाहिए था। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या तो करेक्ट क्या रॉन्ग, सीधे रेक्टिफाइड मिल रही है ना मुझे, कैसे सीधे से मिल रहा है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू, मतलब सस्पेंस ऑफ डेबिट क्यों रखूं जब मुझे पता लग गया है कि गड़बड़ कहां थी, डायरेक्टली एंट्री ड्राफ्ट हुई कि नहीं हुई, श्योर एग्जाम में इसी के नंबर मिलते हैं, यही बना के आनी है, इनके कोई नंबर नहीं है, इवन बनाने पे नंबर काटे जाते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। अब बताओ कितने रुपए, 2600, फाइन ना। फोर्थ पे आओ, रुपी 3000 received from a customer as an advance against order was credited to sales account। हो गई ना गड़बड़, कस्टमर से आए थे तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, हम यहां एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी लिख सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं है, जैसे तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, बस इतनी प्रॉब्लम होती है, यू नो Sometimes school teacher is not comfortable in that because book क्या use कर रही है, customer, ठीक है, तो तुम हो सकता है उस condition में उनको समझा ना पाओ अपनी भावनाएं, paper की copy दिखती नहीं ना और finals की तो दिखाते ही नहीं है copy, तो I suggest you कि बेटा advance from customer की जगह customer लिख दे, same meaning है, ठीक है, same meaning, तो क्या करना है, customer लिख दूं, बस वही मैं बोल रहा था कि तू customer, चलो अब तुमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया, राइट, ये पता लग गया कि ऐसे क्यों कर दिया। बताओ सब कितने रुपए कैश आया था,
3000, बोलो बोलो। अब कैश तो सही हुआ, गड़बड़ क्या है? सर सेल्स को डेबिट करके तो खत्म करो क्योंकि वो क्रेडिट होना नहीं था, और टू कस्टमर लिखो क्योंकि वो करना था। आई होप इतनी भी टिपिकल नहीं है, यदि आपको अब तक के लेक्चर्स क्लियर हैं तो इतनी भी टिपिकल नहीं है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट एंट्री। अ सम ऑफ 800 रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन और मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये ले भाई, साफ डायरेक्टली पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है कि डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो, सारी लड़ाई खत्म। बताइए भाई, एक ही अकाउंट की एरर है कि नहीं है? सिंगल अकाउंट की एरर है ना, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होना था, आपने किया नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू क्या आएगा बच्चे? सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन? 800 का डेप्रिसिएशन लिख दिया। एग्री? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ नंबर हो गई, सिक्स पे देखो। कह रहा है स्कूटर खरीदा था, गलती से कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। बताओ बताओ, कन्वेंस अकाउंट में गलत डेबिट किया ना, डेबिट होना किसमें था? स्कूटर में, जिसे हम व्हीकल अकाउंट बोलते हैं। तो हम यहां भी क्या करेंगे? डायरेक्टली रेक्टिफाइड बना ले। कैसे? व्हीकल तो डेबिट होना चाहिए, टू कन्वेंस अकाउंट। कितने रुपए का स्कूटर था भाई? 16,000 का, और इसके ऊपर क्या है? 10% का डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? तो बेटा डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था ना, डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था एक्सपेंस पे। एक्सपेंस पे थोड़ी डेप्रिसिएशन लगता है, और जो चीज रिकॉर्ड ही नहीं करी थी उसकी तो एक जर्नल एंट्री बनाओगे ना। ये तो तुमने स्टार्टिंग से किया कि जब कोई चीज नॉट रिकॉर्डेड होती है तो फिर जर्नल से ही सही होती है। तो क्या करेंगे? टू व्हीकल अकाउंट। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 10% है, 1600 का डेप्रिसिएशन लग गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है? लास्ट टू एंट्रीज और करनी है। एक सेकेंड, क्या कह रहा है तू? इसे कॉपी नहीं करेगा क्यों? ठीक है, लास्ट में जब मैं निकल जाऊंगा उसके बाद कर लेना। क्या नंबर था ये अभी? हाँ, सेवेंथ। देखो सेवेंथ एंट्री, पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन वॉज मेड, बट मोहन डेबिटेड बाई 600 एंड सोहन विद 500। यदि थोड़ा भी दिमाग थोड़ा सा सही चल रहा है तो आराम से तुम समझ सकते हो कि एक्चुअली पेमेंट किया है तो दोनों डेबिट होने थे। एक डेबिट होना था 500 से, 500 की जगह हो गया 600 से, तो सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा डायरेक्टली। मतलब करेक्ट रॉन्ग की जरूरत नहीं है, करेक्ट रॉन्ग की जरूरत नहीं है। आप खुद ही देख लो आपने किसके अकाउंट को ज्यादा से डेबिट लिखा। मोहन को ज्यादा से डेबिट लिखा और सोहन को कम से डेबिट लिखा। सही करने के लिए सोहन को डेबिट कर दो और मोहन को क्रेडिट कर दो। कितने कितने रुपए से हो गया ना रेक्टिफाइड डायरेक्टली। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, सेल्स टू एक्स 500 वर पोस्टेड टू वाइज अकाउंट। अब आप बात बताओ, आप सेल किसे कर रहे हो? एक्स को। तो एक्स को क्या करना चाहिए था? डेबिट आपने वाई के अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो क्या करोगे? एक्स को डेबिट करोगे और वाई को क्रेडिट करके सही करोगे। कितने रुपीज? 500 एंड 500। ये इलस्ट्रेशन 15 था, ट्राई किया, हुआ समझ में भी बैठा थोड़ा बहुत। अब मैं आपको, मैंने ऐसे बोल दिया था वैसे गलती से कि मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, बस मैं दो ही दे रहा हूं, घबराओ मत। 17 एंड 20 इलस्ट्रेशन एंड 20। और मैं बता दूं इसमें बच्चों सस्पेंस अकाउंट आपको नहीं बनाना, सस्पेंस अकाउंट में बनवाऊंगा कल जब मैं क्लास लूंगा, तब मैं क्वेश्चंस में करवाते टाइम सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ कराऊंगा, तब आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। जो इसे कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी कर लो, थोड़ा सा फास्ट है ना। और जो इसे फोटो क्लिक करना चाहते हैं वो अभी मेरे जाने के बाद क्लिक कर सकते हैं।